गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नड़िया सिटी के जयमहाराज एजु फोकस में एज अ सेंट्रल काउंसलिंग हेड यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, एवरी वीक हम एक वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए। एक्चुअली फ़िलहाल हमारा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का चैनल चल ही रहा है, लेकिन आज का ये जो मेरा वीडियो है वो कैनेडा की एक लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बेस है, क्योंकि कैनेडा का जो सिनारियो फ़िलहाल जो सिक्योरिटी रीजंस के साथ इंडिया और कैनेडा में जो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहा था उसी के रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे नोटिस इशू किया था कि 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया लीव करना था। तो फिलहाल IRCC स्टेटमेंट्स मार्क मिलर जो कि कैनेडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स है उनको वापस सेटल डाउन कर दिया है उनकी कंट्री में। तो बात वही है कि अभी फ़िलहाल जो एप्लीकेशन पहले होती थी, जिस प्रोसेस से होती थी, जिस स्पीड से होती थी, उनका अब क्या होगा। बिकॉज मैटर में कुछ ऐसा है कि टोटल 41 में से 27 कैनेडियन डिप्लोमेट्स ऐसे थे जो कि टेम्पररी फाइल्स पे वर्क करते थे। टेम्पररी फाइल्स यानी स्टडी परमिट हो गया, विजिटर हो गया, वर्क परमिट हो गया, तो ऐसी फाइल्स पे टोटल 27 डिप्लोमेट्स वर्क कर रहे थे। उसमें से 22 कैनेडियन डिप्लोमेट्स उन्होंने लीव किया है और अभी 5 कैनेडियन डिप्लोमेट्स ही इंडिया में रहेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी फाइल्स के लिए, और 22 कैनेडियन डिप्लोमेट्स आउट ऑफ इंडिया वर्क करेंगे। तो यही सिनारियो समझने की ज़रूरत है। तो इन द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन ऑफ कैनेडा मार्क मिलर, उन्होंने अनाउंस किया है कि अप टू डिसम्बर 2023 टोटल 38,000 एप्लीकेशंस उनके पास आने वाली है या आ चुकी है। उसमें से उनका कुछ टारगेट 20,000 फाइल्स वो लोग डेफिनेटली प्रोसेस करेंगे। तो 38,000 में से अगर 20,000 फाइल्स वो लोग क्लियर करते हैं तो वो एक बड़ा ही बैकलॉग वैसे भी रहने वाला है, लेकिन उनका एक टारगेट वो भी है कि 80% ऑफ फाइल, ये जो टोटल फाइल्स है उनमें से 80% एक फाइल टारगेट एक ये भी लिया है कि 80% ऑफ फाइल क्लियरेंस इन स्टैंडर्ड सर्विस टाइम, कि जो स्टैंडर्ड सर्विस टाइम दिया गया है वो 80% वो लोग क्लियर कर देंगे। जो कि वैसे फ़िलहाल अभी हम स्टूडेंट वीज़ा के पर्पज़ से बात कर रहे हैं तो वैसे 60-80 डेज में फाइल्स हो सकती है तो वो उनमें क्लियर कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 60-80 डेज दिए हैं तो एक महीने में वीज़ा नहीं आ सकता, 10 दिन में भी आ सकता है और हो सकता है कि पूरा टाइम भी लग जाए। फ़िलहाल एक एवरेज की अगर बात करूँ तो रिसेंटली जो मैं वीज़ा देख रहा हूँ, PPR देख रहा हूँ, वो 30-35 डेज में आ जाते हैं। लेकिन ये अभी डिप्लोमेट्स वापस गए हैं तो थोड़ा डिले हो ही सकता है, उस पर आगे भी हम बात करेंगे, राइट। एक बात दोस्तों ये भी है कि जो डिप्लोमेट्स 27 में से 22 डिप्लोमेट्स जो इंडिया लेफ्ट करके गए हैं उनमें से ज़्यादातर डिप्लोमेट्स कैनेडा या तो फिलीपींस में रह के काम करने वाले हैं, लेकिन वो इंडियन स्टूडेंट्स की या तो इंडियन एप्लीकेशंस पे ही काम करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि भले ही डिप्लोमेट्स वापस जा चुके हैं लेकिन उनको काम अभी इंडियन फाइल्स के लिए, इंडियन एप्लीकेशंस के लिए ही करना है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये इस फाइल्स पे ज़्यादा कुछ लोड नहीं होने वाला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये हम एक गुड सिग्नल मान के चल सकते हैं, राइट। अभी जो एक ग्लोबल बात करें कि इंडिया की अब तक जितनी भी फाइल्स, वीज़ा एप्लीकेशंस फाइल्स जितनी भी आती थी तो अप्रॉक्सीमेट मोर देन 80% ऑफ फाइल्स आउट ऑफ इंडिया से ही प्रोसेस होती थी। तो ये भी बात है कि अभी आउट ऑफ इंडिया से वैसे भी 80-89% फाइल्स प्रोसेस होती थी, तो ये फाइल्स भी प्रोसेस हो ही जाएंगे, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ सिनारियो में अभी हमें एज इंडियन सिटीजन्स की, इंडियन एप्लीकेंट्स, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों में हमें डिले एक्सपेक्टेड है, जैसे कि ओवर डिले इन प्रोसेसिंग टाइम। जैसे हो सकता है कि अभी 30-35 डेज चल रहा है तो ये वक्त और भी थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, इसमें टाइम इंक्रीज़ हो सकता है। दूसरा कि जब हम किसी चीज़ के लिए वेब फॉर्म डालते थे तो वेब फॉर्म का जो रिस्पॉन्स टाइम था वो भी अभी थोड़ा और बढ़ सकता है। तीसरा जो था, PPR आने के बाद हम पासपोर्ट सेंड करते थे स्टैंपिंग के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो अभी जो 5 डिप्लोमेट्स इंडिया में रुक के काम करने वाले वो अर्जेंट मोड की चीज़ें या तो जो प्रायोरिटी वाली जो चीज़ें हैं वो देखने वाले, तो साथ ही में पासपोर्ट स्टैंपिंग भी थोड़ा डिले हो सकता है।
तो मेरा एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एज अ इमिग्रेशन एडवाइज़र मेरा आपको यही कहना है कि आप जिन जिन बच्चों की फाइल्स जनवरी इंटेक के लिए चल रही है, वो बच्चे बहुत ही स्पीड स्पीड से आपकी जो वीज़ा फाइल्स की जो पेंडेंसी है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा फाइल के लिए चाहिए, वो हो सके उतना जल्दी उसको अपनी आपको साथ कर लेना चाहिए और आपकी फाइल लगा देनी चाहिए, ताकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कैनेडियन ऑफिसर्स को भी वीज़ा प्रोसेस का टाइम इनफ मिल सके और आपका पीपीआर या आपका डिसीजन जो भी है वो सही वक्त पे आ जाए, ताकि आपको टिकट बुकिंग करने में, आपका एनरोलमेंट करवाने में, कॉलेज के साथ जो भी कम्युनिकेशंस है वो सब करने में आसानी रहे। तो दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो था, ये इसी के बेस पे, ये एक रिसर्च बेस किया गया जो काम है उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। आप खुद भी अपनी रिसर्च अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो के लिए हमारा नडिया सिटी का, जय महाराज एजू फोकस का जो YouTube चैनल है, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Facebook एंड Instagram। तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ कमेंट है कि कुछ डिफरेंट वीडियोस आप अगर देख रहे हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। सो इसी के साथ दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है वो मैं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।